अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पूरे परिवार पे इतने सारे झूठे इल्जाम लगाने की? भैया मालती, नंदी अंदर ही है ना? हाँ भाभी तो कमरे के अंदर है। वो कहा है ना कि बड़का भैया और भाभी दोनों कमरा में आराम कर रहे हैं। तुमने खुद ही अपनी औकात इतनी बढ़ा ली कि तुम हमें और हमारे परिवार को जेल पहुंचा सको। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। बुआ छोड़िए मुझे। आज तक हम तुम्हें और तुम्हारी हर गलती को माफ किया, लेकिन आज तुमने हम पर और हमारे परिवार पर उत्पीड़न का जो आरोप लगाया है ना, और हमारी बेइज्जती कराई है, इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे इस उम्र में बहुएं बड़ों के पैर दबाती है, लेकिन तुमने हमें हवालात पहुंचाकर हमारा गला दबाया है। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती तुम यहाँ पर। चली जाओ यहां से। एक मिनट चीची, बहुत जरूरी है मृदुला के लिए उस सच का सामना करना जिसके लिए इसने सारी हदें पार कर दी। इस बात का एहसास होना कि अब इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। क्योंकि चौहान परिवार को उसकी असली बहू मिल गई है। जिसको परिवार को संभालना भी आता है और मुसीबत पड़ने पर निकालना भी। रजत, अनमोल मंदिर में आओ। हमने कहा ना मंदिर में आओ। और तुम चलो हमारे साथ। क्या करें अब? आज रजत और अनमोल को तुम अपने हाथों से माता की चुनरी उड़ाओगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें सच को स्वीकार करना होगा। ये लो और ओढ़ाओ दोनों को।
हमने कहा उड़ाओ दोनों को। मैं सब कुछ नहीं करूंगी। रजत सिर्फ मेरा है। बस करो मृदुला, तुमने झूठी कंप्लेन करके हम लोगों को लॉकअप में डलवाया था ना, हम सच्ची शिकायत करके तुम्हें सीधा जेल भिजवा सकते हैं, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पे हम है ना, वहां हमारी शिकायत तुम्हारी शिकायत पे भारी पड़ेगी। किसी ने सच ही कहा है कि जो होता है वो अच्छा ही होता है, भले हम सब लोग जेल गए पर उसकी वजह से पुलिस को सच्चाई पता चल गई कि तुम हमारी बहू नहीं हो, इसीलिए अब दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं कर पाओगी। पकड़ो मृदुला, अब देख कर रही हो, उठा चुनरी। हमने कहा उठाओ। बस अब तुम यहां नहीं रह सकती, बहुत आनंद ले लिया तुमने हमारे घर में, अब तुम्हारा इस घर का कोटा पूरा होगा। निकलो यहां से, ओ निकलो। रजत जी रोके बुआ जी को, जिठानी जी घर में रहकर अगर इतना सब कुछ कर सकती है तो सोचिए अगर उन्हें इस घर से निकाल देंगे तो फिर वो किस हद तक पहुंच सकती है। बुआ जी, बुआ जी, जिठानी जी को घर से बाहर मत निकालिए, प्लीज अपना गुस्सा शांत कीजिए। चुटकी बहुरिया, तुम बीच में मत बोलो, हमने जो तय कर लिया है सो कर लिया है। चलो निकलो। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो। अब तक आप सब लोगों ने मेरी बुराई का सिर्फ ट्रेलर देखा है, लेकिन इस बेइज्जती के बाद मैं आप लोगों को पूरी फिल्म दिखाऊंगी। ये आप सबको बहुत महंगा पड़ने वाला है, बहुत महंगा। बुआ जी, बुआ जी, मृदुला, रजत जी, जिठानी जी फोन भी नहीं उठा रही, कहाँ गई वो? अरे चुटकी बहुरिया, तुम्हें ज्यादा महान बनने की जरूरत ना है, चली गई होगी जहां उसे जाना होगा। अच्छा है, भला टली। बुआ, मैं मानता हूँ कि मृदुला ने हम सब लोगों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसे ऐसे निकालना सही नहीं है। ओ बबुआ, अब तुम हमें सही और गलत का पाठ पढ़ाओगे? हमने जो किया बिल्कुल सही किया। अरे जेल की हवा खिलाई है उसने हमें और हमारे परिवार को। अगर एक एक करके कांड गिनाएंगे ना तो पूरी पोथी भर जाएगी। वह उसने जो किया है मैं उसे नकार नहीं रहा, मैं जानता हूं कि उसने बार बार हमारे विश्वास को तोड़ा है, उसने हमें धोखा दिया, और मैं ये भी जानता हूं कि उसका लेवल दिन ब दिन गिरते जा रहा है,
लेकिन हम तो उसके लेवल पर गिरकर बात नहीं कर सकते ना। आखिर वो एक औरत है और उससे भी बड़ी बात वो मेरे बच्चे की माँ है। आज सब लोग जानते हैं कि मैं भी उसे इस घर से भेजना चाहता, इस तरह से धक्के मारकर नहीं। रजत, तुम्हें लगता है कि वो उन लोगों में से है जो किसी की बात सुनती है या मानती है? माँ, मैं जानता हूँ कि वो कितनी अड़ियल है, मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता और हो सकता है शायद वो हमारी बात भी ना मानती। पर माँ, हम सब लोग बैठकर बात करते इस बारे में, कोई सॉल्यूशन निकालते, और अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता तो कानूनी तौर पर हम कुछ करते, लेकिन इस तरह उसे बेइज्जत करके घर से बाहर निकालना, ये तुला जैसी लड़कियों के लिए इतना नहीं सोचते हैं। उसे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है और ये घर मेरा है, यहां कौन रहेगा कौन नहीं ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। बबुआ कहाँ जा रहे हो? रिदुला से बात करने। बुआ, उसे इस तरह निकालना नहीं, मुझे उससे बात करनी होगी। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।